गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी मैं चिकन बना रही हूँ। प्याज उवाज डाल दिया है, अब मैं चिकन डाल रही हूँ। इसे सूखा बनाऊंगी, करी नहीं करूँगी। चिकन को कुछ देर फ्राई कर लिया था और पानी सूखने दिया था, फिर मसाला उसाला नमक उमक टमाटर उमाटर मिला दिया है इसमें, लहसुन अदरक भी कूट के मिला दिया था। सब कुछ 5 मिनट ढक लिया था, तैयार हो गया है और चटनी के साथ खाने के लिए बनाया था। ये सुबह का वीडियो है, डोली परी दोनों के लिए मैं खिचड़ी बना रही हूँ। जीरा सरसों और प्याज उवाज भून लिया था, अब मैं इसमें सब्जी डाल रही हूँ और साथ में टमाटर भी डाल रही हूँ। मसाला उसाला सारा मिक्स कर दिया था, अब मैं इसमें चावल मिला रही हूँ। कुछ देर भून लिया था और पानी डाल दिया था मैंने, पानी अपने हिसाब से डालना है। डोली परी दोनों पहले तो स्कूल कब खुलेगा करते थे, अभी तो हॉलीडे कब आएगा उसका वेट करते हैं दोनों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। सब्जी सबको काट लिया है एक साथ, प्याज को फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे। कुछ देर भून लिया था सब्जी को और मसाला उसाला नमक उमक टमाटर उमाटर सारा मिक्स कर दिया। सब्जी तैयार हो गया है ऐसे। प्लेट लगा लिया है, नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता उस्ता हो गया था, उसके बाद मैंने मिक्सर को निकाल रखा है साफ़ करने के लिए। ऐसे तो साफ़ ही रखती हूँ लेकिन मेरा वो जार है ना, उस वो थोड़ा ढीला है तो उससे पानी उन्हें निकलते रहता है जब कुछ भी पीसते हैं तो। और पहले हम जहाँ जहाँ छेद है वहाँ टेप लगा लेंगे ताकि साबुन का पानी उन्हें अंदर ना जाए। इसलिए मैंने एक ब्रश लिया है और इससे हम सब तरफ साबुन लगा लेंगे। पोंछने के लिए एक सूखा कपड़ा लिया है, उससे पोंछ रही हूँ। गीला करके भी आप पानी निचोड़ के पोंछ सकते हैं लेकिन मैंने बिल्कुल सूखा कपड़ा लिया है। सब तरफ सही से पोंछ लिया है जहाँ जहाँ साबुन लगाया था। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।